एक्चुअली रंजीव सर ने ही गाइड किया था कॉलेज, एंड एडमिशन में भी उनका काफ़ी मेजर रोल था। मेरे को कोई भी डिफ़िकल्टी होती थी ऑनलाइन प्रोसीजर वगैरह देखने में या फिर कट ऑफ लिस्ट जब आती थी तो आई यूज़ टू कॉल हिम एंड वो पिक कर लेते, वो सब बता देते थे कि कैसे क्या है। अमेजिंग काउंसलर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज़ शिप्रा गोयल। आज हम लोग श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून के कैंपस में हैं, जहाँ पे हमारे साथ है स्टूडेंट रितिका जो कि पानीपत से है। इन्होंने लास्ट ईयर मेडिपीडिया के थ्रू इस कॉलेज में MBBS में एडमिशन ली थी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि रितिका को इस कॉलेज की पढ़ाई कैसी लग रही है, एक्सपोजर कैसा लग रहा है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है, कैंपस के कम्प्लीट रिव्यू जानेंगे रितिका से। सो रितिका, मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसा गया मेडिपीडिया के साथ आपका एक्सपीरियंस और प्लस कॉलेज के बारे में भी फीडबैक बताइए। हाय, आई एम रितिका, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आई हैव पास्ड फर्स्ट ईयर एंड हैव गॉट द एडमिशन थ्रू मेडिपीडिया। इट वाज नाइस एंड दे हेल्प अ लॉट थ्रू द एडमिशन प्रोसीजर। फैकल्टी इज़ वेरी नाइस हियर, दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव, एंड द मेस फैसिलिटीज आर ऑल्सो वेरी नाइस। यू डोंट नीड टू स्विगी एंड जोमेटो एवरी टाइम। इफ़ यू वॉन्ट टू, यू कैन डू दैट वंस अ वीक, बट अदरवाइज द फैसिलिटीज आर वेरी गुड हेयर। मुझे रितिका ये बताओ कि फर्स्ट टाइम आप मेडिपीडिया में कौन सी काउंसलर से मिले, और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया या कोई पर्टिकुलर ऑफिस विजिट किया? एक्चुअली माई फादर हैज़ विजिटेड द मेडिपीडिया ऑफिस, दैट वॉज इन चंडीगढ़, एंड देयर ही मेट रंजीव सर। थ्रू दैट वी गॉट द एडमिशन हेयर। तो रंजीव सर के साथ एज ए काउंसलर, देखो बहुत सारे काउंसलर्स के साथ बच्चे इंट्रैक्ट नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व कर पाते। आज भी हम लोग मिल रहे हैं, कनेक्टेड हैं, राइट? तो ओवरऑल मतलब हाउ वॉज लाइक कि अगर मेडिपीडिया नहीं होता तो आपको श्री गुरु राम राय के बारे में, कॉलेज आपका चॉइस था, कंपनी ने गाइड किया, कैसा प्रोसेस था? एक्चुअली रंजीव सर ने ही गाइड किया था कॉलेज, एंड एडमिशन में भी उनका काफ़ी मेजर रोल था। मेरे को कोई भी डिफ़िकल्टी होती थी ऑनलाइन प्रोसीजर वगैरह देखने में या फिर कट ऑफ लिस्ट जब आती थी तो आई यूज़ टू कॉल हिम एंड वो पिक कर लेते, वो सब बता देते थे कि कैसे क्या है। अमेजिंग काउंसलर। मुझे ये बताइए कि हॉस्टल के बारे में, कितने सीटर रूम अवेलेबल है ना, और हॉस्टल की टाइमिंग्स क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बताइए। बिकॉज जब भी स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स वरिड रहते हैं कि कैसा कैंपस है, तो थोड़ा कैंपस और हॉस्टल के बारे में बताइए। हॉस्टल तो काफ़ी सेफ एंड डबल शेयरिंग ही मिलता है सबको, एंड बाकी हॉस्टल में मेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। टाइमिंग्स 9 o'clock तक होता है, उसके बाद यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, एंड स्विगी जोमेटो करना होता है वो भी 9 o'clock तक ही होता है। और AC फैसिलिटीज अवेलेबल है? AC इज़ नॉट अवेलेबल, AC अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक वेदर देहरादून का काफ़ी अच्छा रहता है कि बिना AC के भी यू कैन गो थ्रू, राइट? कभी कभी ज़रूरत लगेगी, अदरवाइज तो पहले तो कोई हॉस्टल्स में AC होते ही नहीं थे, और यहाँ तो वेदर भी अच्छा है तो इसीलिए अच्छा है। और मुझे हॉस्पिटल का बताइए, जैसे कि अभी हम लोग चाय गरम पे हैं जो कि श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट एंटर करते ही एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, उसके बाद चाय गरम है, देन वी हैव द ऑन लेफ्ट साइड बॉयज़ हॉस्टल, ऑन राइट साइड गर्ल्स हॉस्टल, राइट? और उसके ऑपोजिट बना हुआ है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जैसे आप सेकेंड ईयर में हो तो कितनी बार आप हॉस्पिटल जाते हो, आपकी क्लिनिकल रोटेशंस जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो कब मिलता है? प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, डेली आपकी पोस्टिंग्स रहती है, मंडे टू फ्राइडे 3 hours होता है, एंड हॉस्पिटल की OPD भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो मैंने नोटिस किया है यहाँ पर। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है बच्चों को सेकेंड ईयर से ही। Okay. और लास्ट ईयर जैसे 150 MBBS सीट्स हैं, तो फर्स्ट ईयर में कितने बच्चों ने कंप्लीट पास किया? फर्स्ट ईयर कंप्लीट 150। कंप्लीट 150 ने फर्स्ट गो में क्लियर किया, मतलब कोई सप्ली कोई डिटेनमेंट नहीं है। तो बहुत बच्चों का ये भी फियर होता है जब हम कोई मेडिकल कॉलेज चूज़ करते हैं कि यहाँ पे बच्चों को अननेसेसरली फेल तो नहीं किया जाता, ऐसा कोई भी फीडबैक हमें इस कॉलेज में नहीं मिला है। अकेडमिक्स इज़ ऑल्सो गुड, पेशेंट फ्लो अच्छा है, हॉस्टल फैसिलिटी इज़ ऑल्सो नाइस। सो अगर आप एक अच्छे टॉप प्राइवेट MBBS कॉलेज में, वो भी डिसेंट लोकेशन लाइक देहरादून उत्तराखंड में करना चाहते हो, तो श्री गुरु राम राय कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। थैंक यू सो मच रितिका, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सिर्फ MBBS तक नहीं, PG में भी रंजीव सर और मेडिपीडिया की टीम पूरा आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।